अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ में हुए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराने की मांग कर भाजयुमो के द्वारा अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन कर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व नगर निगम अंबिकापुर के पार्षद सफी अहमद का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान काफी संख्या में मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि महामाया पहाड़ में अतिक्रमण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी और कागजी जंग तेज हो गई है। भाजपा के द्वारा महामाया पहाड़ पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग कर कांग्रेस के एक मंत्री सहित पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस के द्वारा भी इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। जिस क्रम को लेकर आज शहर के अंबेडकर चौक पर भाजयुमो के द्वारा सड़क के अंबेडकर चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। साथ ही राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व नगर निगम अंबिकापुर के पार्षद सफी अहमद के इस्तीफे की मांग भी भाजयुमो के द्वारा की गई। और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में मुख्यमंत्री। किस बात को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन करके पुतला दहन किया गया है? देखिए, हम लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ताओं ने विगत कुछ महीना पहले वन विभाग के जो CCF है श्रीवास्तव साहब, उनका हम लोगों ने कार्यालय का घेराव किया था और उनसे यह मांग की थी कि महामाया पहाड़ में जो भी अवैध कब्जाधारी हैं उनको तत्काल जाँच कर उनको वहाँ से मुक्त किया जाए। इस बीच में वन विभाग के लोगों ने, राजस्व के लोगों ने वहाँ पे जांच किया और जांच के उपरांत ये पाया गया कि वहाँ पे जो कब्जाधारी हैं, जो अवैध रूप से वहाँ पे रह रहे हैं, उसमें किसी नेता के संरक्षण में उन्होंने ये जो कब्जा किया, उसमें जो कांग्रेस के राज्य के मंत्री का जिनको दर्जा प्राप्त है और नगर पालिक निगम में पार्षद भी हैं, उनका नाम सामने आया। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और उनको इस विरोध के माध्यम से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। किसका पुतला दहन किया गया है? अभी जो जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और नगर निगम में पार्षद भी हैं, वो ऐसे सफी अहमद जी का हम लोगों ने इस्तीफा का मांग किया है। पुतला किसका दहन किया गया है? सफी अहमद जी का।